क्लास नाइन्थ के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका है आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर बताऊंगा भारत में कितने राज्य, 28, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, 11 दिसंबर के दिन अच्छे नंबर लाने तो फटाफट कंप्लीट करते जाओ। किस राज्य को साक्षरता प्रतिशत अधिक है? केरल, केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। ठीक है, भारत में सरकार की संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हार्बर पर बमबारी की थी जापान ने, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया था? 2012 से। सबसे अधिक लोकसभा सीटें कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर को अधिक रही है। ठीक है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा होना बहुविध प्रणाली कहलाती है। गेहूं क्रांति शीर्षक विशेष डाक इंदिरा गांधी ने जारी किया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978। बस्तर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डाई ट्रिजबेंड्रिस का जर्मन आ जाएगा। रॉबर्ट ओवेन का आपका इंडियाना अमेरिका विषय भरा हुआ है, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको जल्दी जल्दी नंबर जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हूँ। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, गंगा। किस भागों में, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपी भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939 में। किशोर प्राय किस आयु के वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। भारतीय मानसून में सबसे अधिक वर्षा अनिश्चित है, सत्य है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो ये महामंदी का दौर था, ये आपका सत्य है। ठीक है, भारत में 20 वर्ष से और उसके अधिक ऊपर के आयु के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। हाँ है, पर लेकिन भाई साहब 18 वालों को भी तो है, इसलिए ये बात अपनी यहाँ पर असत्य रह जाएगी। पालमपुर में ज्यादातर लोग व्यापार नहीं करते, असत सत्य बात है ये। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ से देख लीजिए। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ये सत्य। ठीक है, इसके बाद में भारत की भौगोलिक स्थिति समझाइए। कन्हैया कुमारी और कश्मीर में दिन रात में क्यों अंतर है? जलवायु में क्या से आम्र वर्षा क्या है या किन राज्यों में होती है? ठीक है, यहाँ से देखिए, नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर क्या है? प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार की हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? ठीक है, इसके नेता कौन था? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर बताना है। रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताइए। घुमंतू खेती क्या है? अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? अंग्रेजों के विरोध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? संविधान क्या है? ठीक है, संविधान की दो विशेषताएं लिखिए। संविधान सभा का परिचय लिखिएगा। निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार संहिता क्या है? इसके बाद में प्रचलन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या है? भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर। ठीक है, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये राय का समुदाय पर टिप्पणी देना है। बंजारे कौन है थे? बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो। यहाँ से देखिए, ऐसी मेहनत करो कि जो अर्धवार्षिक के साथ में वार्षिक में दिक्कत ना दे, है ना। वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी जो बच्चा करना चाहता है,